नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, यदि आपके पास में भी आधार कार्ड है और आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को एक बार भी अपडेट नहीं किया है तो आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना। आधार कार्ड को लॉक कर दिया जाएगा और आप किसी भी काम के लिए आधार कार्ड को यूज नहीं कर सकते। यदि आप आधार कार्ड को कहीं पे भी लगाइएगा अभी तो आपका आधार कार्ड इनवैलिड बताएगा, तो आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना। अपडेट करवाने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, दूसरा ऑफलाइन मोड में आप कर सकते हैं। जहाँ पे आधार एनरोलमेंट सेंटर यानी कि नया आधार कार्ड बनाया जाता है वहाँ पे भी जाकर के आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। एनरोलमेंट सेंटर में जाकर के यदि आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवाते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक आप चुकाना पड़ेगा। यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन से करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, अभी आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। IDI की तरफ से ये फ्री अपडेट अभी जारी है। यदि आप करना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी आपको दे रहा हूँ। इस वीडियो को देख करके आप अपना या फिर आप अपने फैमिली मेंबर किसी का भी आधार अपडेट कर सकते हैं। यदि आप खुद से अपडेट करना चाहते हैं तो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। अगर आपके आधार कार्ड में यदि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर के अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा लेना या फिर किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि जहाँ पे भी आधार का काम चल रहा है वहाँ पे जाकर के आपको अपना नंबर ऐड करवा लेना है। तब आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आधार लिख करके सर्च करना है। फर्स्ट में आपको लिंक दिखा देगा, इसी लिंक के ऊपर में आपको फिर से क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा आधार का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जिस भी भाषा में आप इस वेबसाइट को यूज करना चाहते हो उस भाषा को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर से ये पेज रिडायरेक्ट हो पॉपअप मेन्यू आपको दिखाई देगा, पॉपअप मेन्यू को आपको बंद कर देना है। यहाँ पे नीचे में ढेर सारा ऑप्शन दिखाई देगा, किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जिसको लॉगिन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा फिर से ये पेज रिडायरेक्ट होगा। अपना आधार नंबर टाइप कर देना, जो कैप्चा यहाँ पे वो कैप्चा यहाँ पे टाइप कर देना। लॉगिन विथ OTP के ऊपर में क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP जाएगा, फिर यहाँ पे टाइप करने के बाद लॉगिन के ऊपर में फिर से क्लिक कर देना। ढेर सारा ऑप्शन नजर आएगा, एक ऑप्शन आपको ऊपर में ही दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट अपडेट करने का। वो 14 मार्च 2024 तक यदि आप डॉक्यूमेंट अपडेट करते हैं बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो 14 मार्च के बाद यदि आप अपडेट करते हैं मोबाइल फ़ोन से भी तो आपको 50 रुपये पे करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका डॉक्यूमेंट अपडेट होगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेट के ऊपर में क्लिक कर देना है। इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें कि आप देख पा रहे कि अपने डॉक्यूमेंट जो भी आप इसमें अपडेट कीजिएगा उसका जो फॉर्मेट है JPG PNG PDF फाइल में होना चाहिए, जो कि 2 MB तक आप रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट के तौर पे आपका तो ये आधार कार्ड है ही, आप अपना वोटर कार्ड इसमें लगा सकते हैं, बिजली का बिल लगा सकते हैं, बैंक का पासबुक लगा सकते हैं, अपना मार्कशीट लगा सकते हैं, या फिर आपके पास में अगर आवासीय सर्टिफिकेट है तो आप एड्रेस के तौर पे इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इतना सारा सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आपके पास में है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस है, इंडियन पासपोर्ट है, किसान का पासबुक है, जो भी आपके पास में अवेलेबल है। पैन कार्ड भी आप इसमें लगा सकते हैं, यहाँ पे पैन कार्ड का भी। वोटर कार्ड लगाने वाले तो यहाँ पे आपको वोटर के ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ओके के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे आपको फिर से व्यू डिटेल्स एंड अपलोड करने का ऑप्शन दिखा देगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। फिर से यहाँ पे आपको कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर में क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे आपको फिर फाइल सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है जो भी आप इसमें अपलोड कीजिएगा, डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिएगा उस डॉक्यूमेंट को पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में रख लेना है। मोबाइल फ़ोन से दोनों साइड का डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते, जैसे कि आधार कार्ड का दोनों साइड रहता है एक पेज पे या फिर वोटर कार्ड का दोनों साइड का एक पेज पे, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। लिंक के ऊपर में जैसे क्लिक कीजिएगा ये एप्लीकेशन आपको ओपन हो जाएगा। जो दिखाई दे रहा है ऐप के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे ऐप के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, पहली बार यूज कीजिएगा तो इसमें जो भी परमिशन आपसे मांगेगा सारा परमिशन आपको अलाउ कर देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंबाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इसके ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ऐड पिक्चर के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे ऐड पिक्चर के ऊपर में क्लिक कीजिएगा आपके मोबाइल फ़ोन में जहाँ पे भी आप फोटो खींच के रखे हैं डायरेक्ट आप फोटो भी खींच सकते हैं। यदि आप पहले से खींचे हुए तो गैलरी एंड अदर के ऊपर में क्लिक कर देना है। तो फर्स्ट वाला ऊपर में रहना है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यदि आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे में काफ़ी सारा ऑप्शन दिया हुआ है, यदि आप इसको रोटेट वगैरह करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पे ओके के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे ओके के ऊपर में क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है ऊपर वाला। फिर से यहाँ पे ऐड पिक्चर के ऊपर में क्लिक करके सेकेंड वाला जो आपका हिस्सा है उसको अभी आपको सेलेक्ट कर लेना। फिर से यहाँ पे पोजीशन सेलेक्ट करने के बाद ओके के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे ओके आपको नीचे में कंबाइंड इमेज का ऑप्शन दिखा देगा, इसके ऊपर में क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिखा देगा, सेव के ऊपर में क्लिक करके यहाँ पे यदि नाम चेंज करना चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं। फाइनली ओके के ऊपर में क्लिक कर देना है। ये इमेज आपके मोबाइल फ़ोन के गैलरी में सेव हो चुका है कि आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है।
ठीक उसी तरीके से सेकेंड वाला में भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। उसके बाद ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस बॉक्स के ऊपर में क्लिक करते हैं नेक्स्ट करने का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट कर लीजिएगा और फिर तब जाकर के आपका यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो जानकारी दी वो आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में आपको बताया कि आप अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं, यदि आप अपडेट नहीं कीजिएगा तो आपको क्या नुकसान होगा, एनरोलमेंट सेंटर में जाकर के कैसे आप अपडेट कर सकते हैं, यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो कैसे आप अपना मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके लिए और भी नए नए इन्फॉर्मेशन ला सकूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।